आप सब। तो आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो वाई टाइटल आप सब लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज का जो मेरा ब्लॉग्स है वो किसके ऊपर है। तो दरअसल कल मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो जो कुछ भी मैंने शॉपिंग की थी उसका वीडियो मैं आप सबको नहीं दिखा पाई थी। तो मैंने आप सबके सामने बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सब लोगों को मेरी शॉपिंग देखने को मिलेगी। तो बस यही वीडियो मैं आप सब लोगों के सामने आज लेकर आई हूँ अपनी शॉपिंग का। तो चलते हैं गाइस, दिखाती हूँ मैंने उस दिन क्या क्या शॉपिंग की थी कल मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कृष्णा से, क्योंकि कृष्णा हमारे यहाँ पे सबसे छोटा है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमने क्या क्या खरीदा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना मैंने आपने कृष्णा के लिए खरीदी है एक ये हुडी जो है ब्राउन और रेड और वाइट कलर की, बहुत ही प्यारी हुडी है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से ये, और इसमें है साथ में कैप। तो कृष्णा के ऊपर बहुत अच्छी लगने वाली है ये हुडी, तो ये पहनेगा हमारे कृष्णा। शादी की जो शॉपिंग है वो हम लोगों की स्टार्ट होती है ना, तो बस शादी के लिए ही ये शॉपिंग हो रही है। और दिखाती हूँ कृष्णा के लिए और क्या लिया है। हाँ, और है ये कृष्णा का ये पैंट ब्लैक कलर का है जो कुछ इस तरह से, ये पैंट है कृष्णा का ब्लैक कलर का। तो ये हुडी के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है, रेड कलर की हुडी के साथ ब्लैक कलर का पैंट कृष्णा का बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। ये है कृष्णा की शर्ट जो है रेड कलर की, तो ब्लैक कलर के पैंट के ऊपर रेड कलर की शर्ट कृष्णा की बहुत अच्छी लगने वाली है, तो मैंने इसलिए ये रेड कलर की शर्ट ली है कृष्णा के लिए। और दिखाती हूँ और कृष्णा के लिए क्या क्या लिया है। और एक साइड और है कृष्णा की दूसरी, ये है ब्लू कलर की, तो ये मैंने ब्लू कलर की ले ली है, किसी भी फंक्शन में पहन सकता है, कोई भी फंक्शन हो उसमें ये साइड बहुत आराम से कृष्णा को पहननी है। ब्लू कलर की बहुत अच्छी साइड है, बहुत ही प्यारी। और कृष्णा की अब और कृष्णा को बारात वाले दिन क्या पहनना है वो सरप्राइज है, वो कपड़े हमने रखे हुए हैं, वो कपड़े हम आपको नहीं दिखाएंगे, वो आपको उसी दिन देखने को मिलेंगे जिस दिन हम लोग तैयार होंगे, जिस दिन हम लोग बारात में जाएंगे उसी दिन देखने को मिलेंगे। वो कपड़े सबके रखे हुए हैं, क्रिस के, कृष्णा के, मेरे हस्बैंड के, सबके, तो वो कपड़े आपको उसी दिन देखने को मिलेंगे बारात वाले दिन। ये सारे कपड़े वो हैं जो एनी टाइम हम पहन सकते हैं, एनी टाइम किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं, तो ये वो कपड़े मैंने खरीदे हैं। और अब आते हैं क्रिस पे, तो क्रिस की है ये प्यारी सी हुडी, इसके लिए भी हमने एक हुडी ली है। तो ये थोड़ी सी लाइट कलर की है, बट क्रिस को ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से उसने ना अपने पसंद की ली है, और इसमें भी कैप है साथ में। तो ये है क्रिस की हुडी कुछ इस तरह से, ये इसका कलर है ना बहुत ही प्यारा कलर है, लाइट कलर है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत एकदम न्यू कलर है इसका, बहुत प्यारा लगेगा हमारे क्रिस के ऊपर। और अब मैं दिखाती हूँ क्रिस की शर्ट, तो ये है क्रिस की शर्ट चेक वाली कुछ इस तरह से। उसके पास ना चेक वाली शर्ट नहीं थी, तो मुझे है ना मैंने कहा उसके लिए ना चेक वाली शर्ट लेते हैं, तो ये शर्ट है ना मैंने ली है उसके लिए चेक वाली। और इस चेक वाली शर्ट में भी कैप है, ये देखिए, तो बहुत प्यारा लुक आने वाला है इस शर्ट को पहनने से, तो किसी भी फंक्शन में ये शर्ट है ना यूज कर सकता है, पहन सकता है, बहुत ही प्यारी शर्ट है कैप की इस तरह से। और ये है पैंट चेक वाली शर्ट के साथ जो मैंने लिया है कुछ इस तरह से, इसका जो कलर है ना वो बहुत प्यारा है। तो इस ये है जीन्स क्रिस का, तो मैंने सिर्फ ओनली उसके लिए ना दो जीन्स लिए हैं, एक ये है और एक जीन्स और है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट। तो ये है उसका दूसरा जीन्स, उसको भी ना फुल साइज बनने लगा है हमारे क्रिस को, तो दूसरा जीन्स ये है कुछ इस तरह से, इस कलर का बिल्कुल लाइट कलर है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है इसका। जो डेनिम के जो आजकल चल रहे हैं जीन्स बिल्कुल वो न्यू पैटर्न है, तो उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था ये जीन्स, क्योंकि ना क्रिस ही मेरे साथ गया था शॉपिंग करने के लिए, तो उसने अपनी पसंद के ही सारे कपड़े लिए हैं। और उसका जीन्स देखो कितना लंबा आता है, बिल्कुल पापा के साइज का आने लगा है। तो अब चलते हैं, अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने हस्बैंड के कपड़े। तो हस्बैंड के लिए मैंने ली है ये सेट, तो ये सेट लिए मैंने अपनी पसंद की, ये मेरा मतलब फेवरेट कलर है, तो इस कुछ इस तरह से, तो ये कलर है इसका सेट का। तो ये सेट है ना वो ब्लेजर के साथ भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे पहनना है किसी भी फंक्शन में तो उसके साथ भी यूज कर सकते हैं इस सेट को। और दूसरी सेट ली है मैंने उनके लिए एक चेक वाली, तो ये है एक चेक वाली सेट कुछ इस तरह से,
इसका कपड़ा है ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारे कपड़े में है ये शर्ट। और ये सारी शॉपिंग ना मैंने एक ही दुकान से की थी, सारे कपड़े मैंने उसी से लिए थे, उसी दुकान से, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो ये कुछ इस तरह से है ये शर्ट चेक वाली। और पैंट दिखाती हूँ मैं आपको, तो पैंट लिया हुआ है हमने कुछ इसके साथ ऐसा ब्लैक कलर का, थोड़ा ब्लैक, इसमें दो कलर हैं इसमें मिक्स, तो कुछ इस तरह का पैंट है ये जीन्स का, बहुत ही प्यारा पैंट है ये। और अब मैं दिखाती हूँ आपको सूज, जो हमने सूज खरीदे हैं। तो सबसे पहले सूज दिखाती हूँ मैं कृष्णा के, तो ये हैं हमारे कृष्णा के सूज कुछ इस तरह से ब्लैक कलर के। तो ये देखो कितने प्यारे सूज हैं, बहुत ही सुंदर सूज हैं, बहुत ही प्यारे सूज हैं ये ब्लैक एंड वाइट। और ये सूज ना मैंने कृष्णा के ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये सूज ना ऑनलाइन आए हुए। तो देखो पास से दिखाती हूँ आपको किस तरह के सूज हैं ये, वाइट एंड ब्लैक दो कलर हैं इनमें, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। तो बहुत ही प्यारा मुझे रिसीव हुआ है, जैसे मैंने ऑर्डर किया था सेम बिल्कुल मुझे वही कलर मिला है, और सेम वही डिज़ाइन वही पैटर्न सब कुछ मुझे सेम ऑनलाइन, बहुत अच्छे सूज आए हैं कृष्णा के लिए। और अब मैं दिखाती हूँ क्रिस के सूज, पूछ कर दो जी। तो ये है हमारे क्रिस के सूज कुछ इस तरह से ब्लू, ये रेड एंड ब्लू है ऐसे रेड एंड ब्लू। तो ये भी हमने ऑनलाइन ही मंगाए हैं, सूज हमने सारे ऑनलाइन मंगाए हैं और कपड़े हमने पूरे दुकान से लिए हैं एक ही मार्केट से। और ये है कुछ ब्लू एंड रेड कलर के सूज क्रिस के कुछ इस तरह से, बहुत सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे, जैसे मैंने ऑर्डर किया था सेम मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला है। और यहाँ देखो ये जो डिजाइन है ये जाली वाली डिजाइन है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लुक है सूज का। और पीछे से देखो ये ऐसे हैं, बहुत ही सुंदर सूज रिसीव हुई है मुझे ऑनलाइन, और ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ अपने हस्बैंड के सूज, ऐसे बना। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ अपने हस्बैंड के सूज और जो मुझे इस तरह से रिसीव हुए थे ऑनलाइन, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं, ये कुछ इस तरह से है ब्लू कलर के, ब्लू एंड वाइट, तो इनका लुक कुछ इस तरह से है। ये उनके ही पसंद के सूज हैं, दरअसल मैंने इनको पसंद नहीं किया था और ये मेरे हस्बैंड की पसंद है। तो ये हैं कुछ इस तरह के सूज, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किए हैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग, पहुँच कर दो स्टार्ट। तो गाइस ये थी हमारी शॉपिंग जो मैंने आप सब लोगों को साथ में शेयर की, जो हमने सूज थे वो ऑनलाइन मंगाए थे वो भी मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर की, और कपड़े मैंने जो मैं मार्केट गई थी खरीद के लाई थी वो मैंने कपड़े भी आप सबको दिखाए, मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के। तो ये थी मेरी शॉपिंग, अपने कपड़े क्यों नहीं दिखाए? तो अपने कपड़े मैंने इसलिए नहीं दिखाए हैं, तो अपने कपड़े दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा मेरे कपड़े देखने के लिए, वो आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अब ये नेक्स्ट ब्लॉग कब आने वाला है ये मुझे भी पता नहीं है, हो सकता है मैं कल ही अपलोड करूँ या परसों अपलोड करूँ ये मुझे पता नहीं है, पर अभी मेरे बच्चों की शॉपिंग आप सब लोग ने देखी है, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप मेरी शॉपिंग देखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अपनी शॉपिंग लेके आती हूँ तो ज़रूर देखिएगा। So take care and bye bye. See you again.